तो मैंने इस फोन को इस प्राइस में खरीदा है। आई नो देश में दुनिया में क्या चल रहा है उसके बाद भी मुझे फ़ोन की बड़ी है, बट गाइज फ़ोन की वीडियो तो बनानी बनती है कि नहीं, क्योंकि रिसेंटली शाओमी ने रेडमी नोट 9 प्रो लॉन्च किया था और कल उसकी सेल थी अमेज़ॉन पर, बट मैंने अमेज़ॉन पर ऑर्डर किया और ऑर्डर नहीं हो पाया। बट उसके बाद शाओमी की जो पर्सनल वेबसाइट है mi.com/in उस पर मैंने ऑर्डर किया और फ़ोन मुझे मिल गया, और जो HDFC बैंक का ऑफ़र था 500 rupees का इंस्टेंट डिस्काउंट, उसके साथ मैंने रेडमी नोट 9 प्रो को बुक कर लिया है, और जो प्राइस थी वो 12,499 में मुझे पड़ गया और फ़ोन आ चुका है गाइज मेरे पास। ये है रेडमी नोट 9 प्रो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के साथ में आने वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। तो गाइज उस प्राइस के साथ में मैंने ये मंगाया, और ये इंडियन रिटेल यूनिट है गाइज, अमेजोन से या फिर mi.com से कुछ भी बाय करोगे तो यही वाला यूनिट आप लोगों को मिलेगा। सो आज मैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ ज़हीर एंड दिस इज़ द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, जो इस दुनिया में चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, पैनिक मत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, अगर थोड़ी एनर्जी कम लगे वीडियो में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है रेडमी नोट 9 प्रो का बॉक्स, ये 4GB 64GB वाला मॉडल है, और ये बॉक्स है गाइस, बेसिकली रेडमी नोट 9 प्रो लिखा हुआ है, पीछे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 720G प्रोसेसर, 48MP कैमरा, फुल HD+ स्क्रीन, 6.67 इंच की, 5200mAh बैटरी, नेविक सैटेलाइट वगैरह है, नेविगेशन का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, UFS 2.1 स्टोरेज है, DDR4X रैम है, साइड माउंटेड स्कैनर है, और बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो अभी हम लोग फटाफट खोल लेते हैं फ़ोन को, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे ऊपर हमें एक सैशे मिलता है, इसके अंदर हमें ये सिम कार्ड का रिमूवल टूल मिलता है, और अगर हम खोलेंगे तो कुछ बुकलेट्स है जो कि यूजलेस है मेरे हिसाब से, और ये एक ब्लैक फ्रॉस्टेड कवर है अच्छा खासा, और उसके बाद हमें ये फ़ोन मिल जाता है, बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बाय द वे, अगर सार वैल्यू देखनी है तो ये देख लो, ये है सार वैल्यू ये फ़ोन की। तो जब तक ये फ़ोन को थोड़ा इधर साइड में रखते और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है अंदर। पहले तो ये USB टाइप सी केबल मिल जाती है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए, उसके बाद ये 18W का चार्जर है, ये 18W का चार्जर है, बस यही सारी चीज़ें बॉक्स में थी गाइस। अभी मैं अगर कवर की बात करूँ तो कवर कुछ इस तरह से लग जाता है, ये कुछ इस तरह से कवर फिट हो जाता है गाइस, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली में फ़ोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये है फ़ोन गाइस, एकदम इंटरस्टेलर ब्लैक है, लेकिन कुछ कुछ ब्लूइश ग्रेइश टाइप का लुक आता है इसमें, लेकिन गाइस कसम से बता रहा हूँ लुक और फील वाइज बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, बाय द वे ऑन करने से पहले बता दूँ, स्क्रीन पे हमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी अप्लाइड मिलता है। अभी मैं फटाफट एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को इस फोन का। बैक साइड में हमें चार कैमरा मिलते हैं गाइस ये मॉड्यूल में, और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है ये मॉड्यूल, और जो प्राइमरी सेंसर है इसका वो 48MP का, अपर्चर जो है उसका f/1.8 है, वो सैमसंग का GM2 सेंसर है। उसके बाद हमें 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, उसका अपर्चर f/2.2 है, 5MP का मैक्रो सेंसर है, उसका अपर्चर f/2.4 है, और 2MP का डेप्थ सेंसर है। तो ये पीछे की बात हो गई, और 48MP कैमरा, और जो अपना फ्लैश वगैरह दिया हुआ है, रेडमी की ब्रांडिंग है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और मैं अगर इस साइड की बात करूँ तो गाइस इस साइड में हमें ये फिंगरप्रिंट स्कैनर कम पावर बटन, मतलब इसमें ही पावर बटन भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और ये जो है अपना वॉल्यूम रॉकर्स है, और इस साइड में कुछ नहीं है। और बॉटम की बात करें तो बॉटम में हमें ये स्पीकर ग्रिल है, प्राइमरी माइक्रोफोन होल इधर है, फिर ये मेन जो अपना टाइप सी पोर्ट है वो है, और 3.5mm हेडफोन जैक है। और इस साइड की बात करें तो पूरा क्लीन है, सिर्फ और सिर्फ एक सिम कार्ड का ट्रे है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। टॉप पे अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन होल है, और आयर ब्लास्टर दिया हुआ है, थैंक यू। इसमें दो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड साथ में लगा सकते हो, और गाइस इधर पे रबर की रिंग दी हुई है, तो ये स्प्लैश प्रूफ है, P2i कोटिंग के साथ में आता है ये फ़ोन। मैं फ्रंट की बात करूँ तो 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन 60Hz के साथ में, और हमें इधर पे एक कैमरा मिलता है फ्रंट में 16MP का, इसका अपर्चर f/2.0 है जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हो, और स्पीकर ग्रिल भी यहीं पर ही है। अभी मैं फटाफट फ़ोन को सेटअप कर देता हूँ, फटाफट हम लोग फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेते हैं गाइस। ये बाय द वे फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर है, सब बंद कर दो, इन सब से ऐड आने का बड़ा खतरा रहता है। तो गाइस फ़ोन हो चुका है चालू, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हो, सेटिंग में चले जाते हैं, अबाउट फ़ोन,
यहाँ पर ये एंड्रॉयड वर्जन 10, एंड्रॉयड क्यू जो है 10 है उस पर रन करता है ये। और अगर बात करूँ स्टोरेज की तो 64 GB में से 44 GB अवेलेबल है बिना कुछ यूज़ किए। तो 4 GB रैम है और जैसे कि मैंने बताया इसमें ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का और नाविक के साथ में आता है, तो नेविगेशन वगैरह भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इस फ़ोन का। तो हम लोग एक छोटा सा ना टेस्ट कर लेते हैं डिस्प्ले का, एक वीडियो चला लेते हैं, देखते किस तरह से प्ले होती है वीडियो। बाय द वे इसमें 60Hz का पैनल है ये, कोई 90Hz या 120Hz का डिस्प्ले नहीं है। तो कुछ इस तरह से वीडियो वगैरह दिखती है, 1080p 60fps वीडियो जो होती है कुछ इस तरह से लुक आता है, देख लो। कुछ इस तरह से लुक आता है गाइस। अगर व्यूइंग एंगल्स की बात करो तो व्यूइंग एंगल्स भी ठीक ठाक है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। चलो अभी हम लोग एक छोटा सा स्पीकर टेस्ट कर लेते गाइस। ये तो हो गया एक छोटा सा स्पीकर का टेस्ट। तो गाइस अगर फेस अनलॉक की बात करूं, हाँ काफी फास्ट है गाइस जैसे देखो डबल टैप किया फोन खुला, देखा और खुल गया। तो हाँ फेस अनलॉक काफी फास्ट है। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ, ऐसा टैप किया खुल गया, लॉक किया टैप किया खुल गया, खुल गया। तो हाँ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों काफ़ी फास्ट तरीके से काम करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अभी कैमरा इंटरफेस की बात करूँ तो वीडियो में हम लोग डेफिनेटली 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K 30fps, 720p 30 और 1080p 60fps भी शूट कर सकते हैं। और स्लो मोशन की भी कैपेबिलिटी दी हुई है। 48MP का डेडिकेटेड मोड भी है, नाइट मोड दिया हुआ, पैनोरामा प्रो मोड भी दिया हुआ है। अच्छा हम मैक्रो मोड से भी वीडियो शूट कर सकते हैं, दैट्स नाइस। फोकस पीकिंग ये सब भी दिया हुआ है और एक्सपोजर जो वेरिफिकेशन आता है अगर मतलब जैसे मैं तो गाइस देखो इधर पे जो लाइंस दिख रही है ये थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड है। अगर मैं एक्सपोजर मीटर पे जाके थोड़ा बढ़ाऊँ इसको तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये जो पार्ट है जो ब्लोन आउट होता है उधर लाइनिंग आ जाती है, तो ये ओवर एक्सपोज्ड है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें दी हुई है पैनोरामा मतलब प्रो मोड में कैमरे के। और अभी हम लोग छोटा सा एक फ़ोटो वगैरह खींच के एक सैम्पल देख लेते कैसा फोटो वगैरह आता है मतलब नॉर्मल मोड में। ये नॉर्मल मोड से खींचा हुआ है तो थोड़ा वार्म कर दिया गाइस। ये जो येलो है और ये येलो में थोड़ा डिफरेंस है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और ये अल्ट्रा वाइड से खींचा हुआ पिक्चर है, नाइस ठीक ठाक है। ये नॉर्मल मोड से थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है मुझे और ये अल्ट्रा वाइड से खींचा हुआ। अल्ट्रा वाइड इतना ज़्यादा अच्छा मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लेकिन ठीक ठाक है। और ये भी अल्ट्रा वाइड से खींचा हुआ है तो एज अ द फर्स्ट इंप्रेशन ठीक ही लग रहा है। ये फ्रंट फेसिंग का फोटो है गाइस, अच्छा है काफ़ी बढ़िया है। और ये विदाउट मतलब विदाउट एनी ब्यूटी मोड तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और ये पोर्ट्रेट मोड है इस, तो हाँ पोर्ट्रेट मोड भी अच्छे से काम करता है जैसे कि एज डिटेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा है इसमें, तो मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दिया गया, ओवर एक्सपोज कर दिया। मेरा फेस देखो यहाँ पे पूरा नाक के पास और ये फोरहेड पे पूरा ब्लोन आउट एकदम से। तो अभी ये ओवरऑल पिक्चर्स हो गई गाइस। अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो एक वीडियो मैं बना लेता हूँ। सो गाइस ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये 4K से शूट कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से फोकसिंग वगैरह होती है, फोकसिंग वगैरह काफ़ी फास्ट है और एक्सपोजर वगैरह भी अच्छा है। थोड़ा आप लोगों को मैं ऐसा ऊपर नीचे करता हूँ तो उससे आप लोगों को एक स्टेबिलिटी का आइडिया लगेगा, कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी है। सो गाइस ये जो वीडियो है ये 1080p 60fps में शूट हो रहा है, तो कुछ इस तरह से फोकसिंग का इशू आ रहा है गाइस, फोकस तो नहीं कर पा रहा, टैप टू फोकस करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं लाइटिंग वगैरह एक्सपोजर वगैरह की बात करूँ तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रहा है और हाँ तो ठीक ठाक है। मतलब कुछ स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ऐसा मैं हल्का हल्का ऊपर नीचे करूँ तो फोन को कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी भी है। गाइज ये जो है ये वीडियो ये 1080p 30fps में शूट कर रहा हूँ और अगर फोकसिंग की बात करूँ तो फोकसिंग काफ़ी तेज है इसमें, तो इधर पे लाइट वगैरह बहुत कम है फिर भी गाइज एक्सपोजर वगैरह सही से एडजस्ट हो रहा है और ओवरऑल फोकस वगैरह काफ़ी अच्छा। तो ये है 1080p वीडियो, कुछ स्टेबलाइजेशन का देख लो, कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन भी है कि मैं अगर कैमरा को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइज कर रहा वीडियो। सो गाइज ये वीडियो जो है मैं अल्ट्रा वाइड से शूट कर रहा हूं तो काफ़ी मज़ेदार पर्सपेक्टिव है और ओवरऑल जो एक्सपोजर वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। फोकसिंग की बात करूँ तो गाइज पूरा फ्रेम ही फोकस में रहता है क्योंकि ये फिक्स फोकस लेंस है, तो हाँ तो अच्छे से दिख तो रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है अगर वीडियो मोड की बात करूँ तो। अभी हम एक मैक्रो मोड से शूट करें। सो गाइज ये जो वीडियो है ये मैं मैक्रो से शूट कर रहा हूँ, अगर मैं नज़दीक जाऊँ किसी चीज़ के तो गाइज माँ की आँख क्या रावस दिख रहा है गाइज, जैसे कि देखो क्या फोकस किया क्रिस्टल पे,
बहुत ही अच्छा गाइज, बहुत ही सही। सो गाइज ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये Redmi Note 10 Pro के फ्रंट फेसिंग कैमरे से शूट कर रहा हूँ जो कि 16 मेगापिक्सल का, तो कुछ इस तरह से लुक आता है गाइज। सामने मेरे लाइट रखी हुई है तो फेस पे कुछ इस तरह से लाइट मारती है, अगर मैं पीछे करूँ तो इस तरह से कुछ डायनेमिक रेंज वगैरह भी है। तो ओवरऑल कलर वगैरह कुछ किस तरह से आ रहा है गाइज मुझे बता दो, और मुझे तो सही लग रहा है अभी छोटी सी स्क्रीन में देखकर। बट या चलो देखते हैं, हम फुल कैमरा रिव्यू बनाएंगे इसका भी, तो उसके लिए वेट कीजिए। ये तो हो गई गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग्स। तो ओवरऑल मैं तो कहता हूँ कि वीडियो और फोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ तो ये जो फ़ोन का बैक है, फ्रंट है, सारी चीज़ें, और ये जो कैमरे का पूरा ग्लास है, ये सब सारी चीज़ें गोरिल्ला ग्लास 5 से कवर्ड है। और गाइस फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जब हाथ में आप फील करोगे ना तो आपको लगेगा, ऐसा लगेगा काफी महंगा फोन पकड़ा है। टैप्टिक मोटर अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में फुल रिव्यू में पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से नहीं करता। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को जानना है तो फुल रिव्यू के लिए बने रहे। बाकी एज द फर्स्ट इंप्रेशन फोन तो काफी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज, जो कि ये 13,000 रुपए की प्राइस रेंज है, उसमें काफी बढ़िया मुझे पर्सनली लगा ये फोन। तो बस गाइस इतना ही बताना था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक दबा दो, शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के फ्रेंड लोग को मालूम पड़े कि Redmi Note 9 Pro जब हम खरीदते हैं तो हमें किस तरह का हमें बॉक्स और सारी चीज़ें मिलती हैं इस फ़ोन के बारे में। फ़ोन जब खरीदते हैं तो ये रिव्यू यूनिट नहीं है, तो सब कुछ मेरे खुद के ओपिनियंस हैं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।